विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन विभाग और पुलिस द्वारा आए दिन अवैध खनन में लगी मशीनरी व गाड़ियों को जब्त कर लाखों रुपए जुर्माना भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। कंद्रोड़ी शोज खड्ड पर बने पुल से मात्र कुछ ही दूरी पर सोमवार को दिन दिहाड़े खनन माफिया का कहर देखने को मिला है। शोज खड्ड में एक तरफ हिमाचल तो दूसरी ओर पंजाब जिला पठानकोट का क्षेत्र पड़ता है। हिमाचल सीमा के साथ पंजाब क्षेत्र में स्टोन क्रेशर लगे हुए हैं, जो कि प्रशासन की आंखों में धूल छोक कर दिन दिहाड़े छोज खड़ में अवैध खनन कर खनन मटेरियल को पंजाब के क्रेशर में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसका प्रदेश को एक रुपया भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। छोज खड में लगभग एक दर्जन ट्रैक्टर ट्रालियां खनन करने में जुटी हुई थी। ट्रैक्टर चालकों की नजर जैसे ही मीडिया कर्मियों पर पड़ी तो सब चालक अपने ट्रैक्टर भगा ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।